दिखाई देता है उसमें से, दिखाई नहीं देता। अब एक ही आंख से देखते हैं, मतलब दोस्तों देख सकते हैं कितना, मतलब कितना आसान है ये रिक्शा चलाना। आप एक आंख से गाड़ी चला लेता है और आप अगर 18-19 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, 20 हज़ार कमा रहे हैं, इसमें तो कोई फिक्स नहीं है, इसमें कोई फिक्स नहीं। आप कभी 20 हज़ार भी कमा सकते हैं, कभी 25 हज़ार भी कमा सकते हैं महीने का। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ है जीतू। जीतू एक ई रिक्शा चालक है और आज इनसे इंटरव्यू लेंगे दोस्तों कि महीने में कितना कमाता है, पर डे कितना कमाता है। तो आज स्वागत करते हैं जीतू को। जीतू कितने दिन से गाड़ी चला रहे हैं? 4 महीने से। 4 महीने से गाड़ी चला रहे। तो गाड़ी अपना है का? नहीं, भाड़ा में गाड़ी चलाते हैं। जोर से बोलो थोड़ा। भाड़ा में गाड़ी चलाते हैं। तो आप पर डे कितना कमा लेते हैं? 400-450। हाईएस्ट कितना कमाए हैं? 500। मैंने पर डे आपका 400-500 हो जाता है मालिक को देके? मैंने मालिक को देके आपका 400-500 बच जाता है। तो मालिक को कितना देते हैं आप? 200। मैंने 200, मैंने पर डे 700 रुपये आप कमा लेते हैं। मैंने 200 मालिक को देके 500 अपना बच जाता है। मैंने आपका पर डे का अर्निंग आपका मोटा मोटी 700 रुपया है और आपका बच जाता है 500 रुपया, तो 15,000 रुपया महीना बच जाता है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करना चाहते हैं ना, इसे ई रिक्शा चलाना चाहते हैं? यही ठीक है। तो दोस्तों पर डे का अगर 15,000 रुपया इनकम कर रहा है दोस्तों, तो फैक्ट्री में काम करने का क्या जरूरत है? पहले कौन काम करता था आप? राजमिस्त्री। पहले राजमिस्त्री में काम करता था। कैसे हाजिरी कितना देता था पहले? 200-220। और अभी आप ई रिक्शा में 700-800 रुपया कमाते हैं, तो मतलब कैसा फीलिंग हो रहा है? फीलिंग अच्छा हो रहा है आपका? सब जरूरत पूरा हो जा रहा है तो इसमें? तो आप 250 जो एक 200-220 में आपका घर चल जाता था पहले? वो चलता रहा थोड़ा बहुत, थोड़ा बड़ा चलता रहा। और अभी आपका कैसा चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है ना। तो आप देख सकते हो दोस्तों ई रिक्शा से हर आदमी का सपना भी पूरा हो रहा है। आप मतलब सब जरूरत पूरा हो जा रहा है आपका। आपका शादी होगी? आपका शादी होगी? बाल बच्चा नहीं है? बाल बच्चा भी नहीं है। तो मतलब दो आदमी का फैमिली आराम से 700-800 रुपया में आराम से घर चल जाता है। अगर बाल बच्चा भी होता तो आराम से चल ही जाता, ऐसा बात नहीं है। तो आप सुबह कितना बजे से गाड़ी निकाल लेते? सुबह छः बजे से गाड़ी निकाल लेते। शाम को कितना बजे तक? 8 बजे तक। 8:30 मतलब 12 घंटे चला के गाड़ी? ऐसा बीच में कोने ब्रेक व्रेक भी लेते हैं का? घर में खाना वाना हाँ, तो 1-2 घंटा उधर लॉस ही हो जाता है। मतलब अगर 1-2 घंटा लॉस ना करके आप कमाते तो 800-900 रुपया आराम से पर डे का कमा लेते ना। तो आप ऐसे ओकेशन में कितना कमा लेते हैं? कोई फेस्टिवल हो गया, पूजा वूजा में पर डे का 1000 रुपया मैंने 1000 रुपया 3000-30 हज़ार रुपया महीना कमा लेते हैं फेस्टिवल में। ऐसे तो अभी 12 महीना में 13-18 पूजा हो ही रहा है, फेस्टिवल पर तो आ ही रहा। तो अभी फिलहाल आप ये लास्ट आज कितना अभी तक कितना अर्निंग कर चुके हैं? अभी तक कितना कमा लिए? 400 रुपया कमा लिए। मतलब अभी फिलहाल अभी टाइम हो रहा है आपका 2:30 बज रहा होगा, तो अभी सुबह से लेकर 2:30 बजे तक 400 रुपया कमा चुका है। मतलब शाम तक 300 रुपया आराम से, मतलब 700 रुपया पर डे अर्निंग हो जाता है भाई का। 700-800 रुपया अभी का दिन में कम नहीं है दोस्तों। मतलब 700-800 रुपया कमाना फिलहाल अभी बिना पूंजी लगाए हुए, अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करके अगर 700-800 रुपया डेली का कमा ले रहे हैं तो मतलब बहुत कमा ले रहे हैं आप। अगर पर डे एवरेज आप 500 रुपया भी कम से कम अगर पकड़ के चलते तो 15,000 रुपया महीना होता है दोस्तों एवरेज, नहीं कि? और आप अगर 18-19 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, 20 हज़ार कमा रहे हैं, इसमें तो कोई फिक्स नहीं है, इसमें कोई फिक्स नहीं। आप कभी 20 हज़ार भी कमा सकते हैं, कभी 25 हज़ार भी कमा सकते हैं महीने का, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा तो आदमी का फिलहाल किसी भी कोई भी काम करता तो एक दिन नागा होता ही। अगर तबीयत खराब हुआ, कुछ हुआ, फिलहाल मार्केट जैसे अभी माहौल थोड़ा गर्म है, इधर हाईवे में अभी फिलहाल गाड़ी चलने नहीं दे रहा है, जैसे हम लोग का इधर पुलिस थोड़ा तंग कर रहा है हाईवे में चढ़ने नहीं दे रहा है, इसी कारण थोड़ा प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो फिलहाल अभी अगर कुछ दिन बाद अगर हाईवे में चढ़ने दो तो आराम से इनकम थोड़ा और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा आपका, बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हाईवे में चले, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बड़े बड़े नेता तक पहुँचे कि गरीब आदमी कितना कमाएगा। डेली पैसेंजर चला के अगर कमा लेता है 500-1000 रुपया तो नौकरी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल अभी कोई नौकरी भी लेने जाइएगा तो 25,000 से 30,000 तक इनकम के लिए जाएगा। अगर बिना नौकरी का आप कितना तक पढ़े रहे?
पढ़े नहीं है, एक क्लास भी नहीं पढ़ा है। जो इंसान 15-20 हज़ार रुपया महीने का कमा रहा है, कम बड़ा बात नहीं है दोस्तों। और आप अभी फिलहाल तो अभी ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम कैसे हुआ था आँख में? वो जन्म से मतलब दिखाई देता है उसमें से? दिखाई नहीं देता। अब एक ही आँख से देखते हैं, मतलब दोस्तों देख सकते हैं कितना, मतलब कितना आसान है ये रिक्शा चलाना। आप एक आँख से गाड़ी चला लेता है, कितना को देखा तो किसी का पैर भी नहीं है। एक तो हम लोग का बगल में उसका भी इंटरव्यू लेंगे दोस्तों, एक जमाई बोल के है, उसका तो मतलब पैर से चल भी नहीं पाता, वो ई रिक्शा चला के पर डे का 1000-1200 रुपया कमा लेता है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो दोस्तों। तब आप सोच रहे हैं ई रिक्शा चलाने के लिए, तो आप ई रिक्शा चला सकते हैं, पर डे का अच्छा अर्निंग है। आपके पास अपना गाड़ी, खुद का गाड़ी नहीं है तो आप भाड़ा में भी गाड़ी चला सकते हैं, भाड़ा में गाड़ी लेकर। भाड़ा में 200 या 300 रुपये लेता है, जैसा जहाँ पर है। आपसे कितना लेता है भाड़ा में? 200 रुपये भाड़ा में लेता है दोस्तों। आज 200 रुपये दे के अगर 500 रुपये बचता बिना पूंजी का, आपको कोई पूंजी नहीं लग रहा है, सिर्फ मेहनत लग रहा है सुबह से लेकर शाम तक। आप कहीं फैक्ट्री में काम करिएगा तो 12-15 घंटा आपको पूरा जी जान से खटवाएगा, उसका बाद आपको 200 या 250 रुपये आपको फैक्ट्री में देगा। और यहाँ पर आप 12 घंटा काम करके कोई काम नहीं, गाड़ी लेके अपना मर्जी मन मर्जी गाड़ी चलाता है, तो मतलब कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं। जहाँ मन करेगा वहाँ ब्रेक, जहाँ मन करेगा वहाँ चल। हाँ, मतलब जहाँ मन तहाँ से पैसेंजर उठाते हैं, जहाँ मन रोक देते हैं, कोई इसमें कोई दबाव नहीं है, मालिक से भी कोई चाप नहीं है। आप एक दिन अगर कभी मालिक को अगर बैलेंस पैसा ना हुआ, अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं दोस्तों। पर डे अर्निंग बाद में मैनेज हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो में कुछ सीखने को अच्छा मिला हो। भाई का मोटा मोटी 700 रुपया पर डे अर्निंग होता है, मतलब 15 इधर 16 मैंने 21,000 रुपया पर मंथ कमा लेता है दोस्त। और ये दोस्त 21,000 कमा के कुछ मालिक को दे के 15,000 रुपया तक बचा लेता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो आपको अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जय भारत, जय वंदे मातरम।